क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ मतलब 15 करोड़ किमी है। इस दूरी का वैज्ञानिक संकेत में मान होगा। तो देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिया है, हमको बताना है किसका वैज्ञानिक संकेत में क्या मान होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है सोल्यूशन। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, मतलब 15 लिखने के बाद कितना जीरो है दोस्तों, 2 2 4 2 6 7 0, कितना लिखा है 15 के बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है दोस्तों 15 करोड़। अब इसको हम घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 × कितना जीरो है 7, तो 10 की घात हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों 7, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, अब एक अंक पे हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो इसको एक इसकी एक घात क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर 1.5 × क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगाए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घातें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अंक बढ़ के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, इतना क्या है किमी है, मतलब किलोमीटर, क्या है दोस्तों इतना किलोमीटर, ठीक है। तो 1.5 × 10 की घातें 8 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों इसमें, देखिए तो आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, 80, यदि पी क्यू क्या है, पी पैरेलल है क्यू के तथा क्यू पैरेलल है आर हो तो कोण यक्स का मान बताना है। तो यक्स का मान बताना है दोस्तों, देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, देखिए पी जो है क्यू के पैरेलल है और क्यू जो है आर के पैरेलल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर पी क्यू के पैरेलल है और क्यू आर के पैरेलल है तो पी जो आर के पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी। देखिए दोस्तों ये 65 दिया है, ए भी 65 अंक दिया है, तो यक्स का मान हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चलिए देखिए हल करते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ये 65 है, अगर इसको हम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए एक रेखा पे एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना अंश बनता है दोस्तों, 180 अंश बनता है, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक कोण और एक कोण क्या है दोस्तों, संगत कोण है, जितना अंश एक कोण होगा इतना अंश भी ए भी होगा, ठीक है। तो ये 65 दिया गया है और ये भी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा, ठीक है, संगत संगत कोण से, ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये संगत कोण से कितना हो जाएगा, यक्स का मान 65 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि यक्स का जो मान होगा कितना होगा 65 अंश। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में कोण यक्स का मान होगा। तो कोण यक्स का मान हमको चित्र में दोस्तों बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हल करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए क्या है आपका, चाहे इसको बोल सकते हैं बाह कोण है, बाह कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आप ऐसे लगा सकते हैं, दोनों के जोड़ योग के बराबर एक कोण होता है, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं दोस्तों बहिष्कोण से, या फिर देखिए एक ही क्या है स्ट्रेट लाइन और पूरा कोण, देखिए दोस्तों एक ये जो है क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक पूरा कोण कितना होगा दोस्तों 180 अंश। मतलब देखिए दोस्तों चित्र से कोण डी सी बी प्लस बी सी ए दोनों का योग कितना होगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन पे 180 अंश। और देखिए ये वाला कोण डी सी बी आपको दिया गया है कितना है 65 अंश, तो डी सी बी के स्थान पे कितना हो जाएगा दोस्तों 65 अंश, और कोण आपका बी सी ए निकल जाएगा दोस्तों देखिए 180 अंश, आप 65 दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो
कोण बी सी ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 180 अंश माइनस 65 अंश। अब घटा दीजिए दोस्तों, देखिए कितना आता है, जीरो में से पाँच गए कितना आ गया दोस्तों, पाँच जाएगा नहीं, दस हुआ, दस में से पाँच गए पाँच हो गया, यहाँ बचा सात में से छः गए एक, एक तो कितना हो गया दोस्तों 115 अंश। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इस वाले कोण का मान कितना आ गया 115 अंश। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है, ए बी सी ए क्या है, त्रिभुज है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना है तो होता है तो दोस्तों तीनों अंतःकोणों का योग आपका हो जाएगा 180 अंश। देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, अब तीनों अंतःकोणों का कोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा दोस्तों 180 अंश। त्रिभुज का नियम है तीनों अंतः की कोई भी त्रिभुज हो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, अब सबका मान रख दीजिए, कोण ए कितना है दोस्तों 35 है 35 अंश, प्लस कोण बी आपका कितना है यक्स आपको निकालना है, प्लस कोण सी आपका कितना है दोस्तों 115 अंश। ठीक है, तो कितना हो गया 180 अंश बराबर। तो देखिए दोस्तों कितना आता है, हल करिए, 35 और 115 कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों ऐड कर लीजिए, यक्स प्लस 5 5 10 का 0 हो गया, और 3 1 4 1 हासिल 1 कितना हो गया 5 एक, मतलब कितना आ गया 150। तो 180 अंश इधर हुआ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 150 अंश, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 180 में से 150 निकालेंगे तो कितना आ गया 30 अंश। तो कोण यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 30 अंश। ठीक है, तो यक्स के स्थान पर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 30 अंश आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को दो चक्कर घुमाने में तय दूरी होगी। तो कह रहा है दोस्तों एक 35 मीटर त्रिज्या वाला क्या है, पहिया है, उसको दो चक्कर अगर घुमाया जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, चलिए दोस्तों हल करते हैं। देखिए सोल्यूशन दोस्तों, देखिए अगर आपका यही क्या है पहिया है, ठीक है दोस्तों, और इसकी जो त्रिज्या कितनी दी गई है दोस्तों, आपका इसका त्रिज्या जो आपको दी गई है कितना दी गई है 35 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों दो चक्कर कब घूमेगा, जैसे यही वृत्त का जो पहिया है परिधि है दोस्तों, तो अगर वृत्त की परिधि एक चक्कर चलने में जितना वृत्त की परिधि होगी उतनी दूरी दोस्तों तय करेगा एक चक्कर में, फिर दूसरा चक्कर मतलब उसकी परिधि को दोगुना कर दिया जाए इतना दूरी वो तय करेगी। ठीक है, तो यही दूरी हमको आप क्या करना है निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, वृत्त की परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया है दोस्तों 35 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों 2πr। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, 2 गुड़े पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7। ठीक है, और r कितना दिया है दोस्तों 35 मीटर, कितना दिया है 35 मीटर। जो जो कट रहा है इसको काट दीजिए दोस्तों, देखिए कितना आता है 7 × 7 7 × 5 35। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों 2 × 22 × 5, तो देखिए 5 × 2 = 10, अब 10 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 220। इतना मीटर क्या हो गया दोस्तों, वृत्त की परिधि मतलब एक चक्कर लगने में इतना दूरी जो चलेगा 220 मीटर। ठीक है, तो दो चक्कर लगाने में कितना चलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों उसके परिधि में 2 का गुणा कर देंगे तो वही उतनी दूरी तय करेगा। दो चक्कर घूमने में तय दूरी, पहिए को दो चक्कर घूमने में तय दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 × वृत्त की परिधि। ठीक है, तो 2 × वृत्त की परिधि कितना है दोस्तों 220 मीटर।
तो 220 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 का 0, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, मतलब 440 मीटर क्या आ गया, दो चक्कर घूमने में उसको 440 मीटर दूरी तय करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 83 क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8y में से क्या घटाना चाहिए। तो पूछ रहा है इसमें से इस इतना प्राप्त करने के लिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8y में से क्या घटाया जाए कि हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाली 7x माइनस 8y जो क्या है, बड़ी संख्या है, जो कि घटाने पर हमको ये क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7x माइनस 8y में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जो आएगा वही संख्या हमको घटाने पे संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो 7x माइनस 8y में से हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को घटाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों जब घटाया जाता है तो उसके साइन को क्या किया कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। अब घटा दीजिए, अब 7x में से x निकाल देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 6x, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस है, माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8x 9y, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस जेड, तो क्या आ गया, 6x माइनस 9y माइनस जेड। तो ए वाली संख्या हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 7x माइनस 8y में से ये संख्या घटाएंगे तो हमको ये वाली संख्या x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों 84, यदि ए बराबर 2 तथा बी बराबर माइनस 3 हो तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो हमको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए बराबर आपका 2 दिया है और बी बराबर माइनस 3 दिया है, तो किसका मान निकालना है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक स्थान पर रखिए बच्चों, क्या रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक स्थान पर क्या होगा दोस्तों, 2 गुणे और बी के स्थान पर कितना होगा, माइनस 3 प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दुनी 4, माइनस और माइनस क्या गुणा होगा दोस्तों, माइनस 2 माइनस 3 का गुणा होगा तो प्लस, 3 दुनी 6 प्लस, अब 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, माइनस 3 गुणा माइनस 3, 3 तरीका 9 प्लस में हो जाएगा, तो 3 तरीका 9 हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 4 6 10 10 9 19, कितना आ गया, 19। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, ठीक है।